नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि कैसे यूडाइस प्लस पे अपन जो डुप्लीकेट स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी क्लास में एक बच्चा है और दूसरे स्कूल में भी अपने एक बच्चा शो कर रहा है, वही बच्चा अपने पास भी है, वही बच्चा दूसरे स्कूल में भी शो कर रहा है, तो उन केसेस में अपन उस बच्चे को कैसे रिमूव करें दूसरी स्कूल से, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, आज चर्चा करेंगे कि कैसे अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। उन केस में अपन को क्या होता है कि यूडाइस प्लस को लॉगिन करके जो दूसरे स्कूल में जो बच्चा शो कर रहा है उस बच्चे को अपन को हटवाना होता है वहाँ से, दूसरे स्कूल से। ठीक है, तो अपन पहले अपने यूडाइस लॉगिन कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे सर्च स्टूडेंट्स पे नीचे नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपने सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें स्टेट आ जाता है बच्चे का, कि उस बच्चे की डिटेल्स अपन कैसे फाइंड आउट करें कि बच्चा अपने पास डुप्लीकेट है तो दूसरे स्कूल में कैसे है, तो उसकी तीन डिटेल अपन डाल के भी देख सकते हैं। वैसे मेजर सारी डिटेल भी डाल सकते हैं, वरना तीन डिटेल भी डाल सकते हैं, जैसे नाम डाल दिया, यहाँ पे DOB का ऑप्शन भी है, DOB अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं फादर्स नेम और मदर्स नेम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच्चे का नाम मैंने डाल दिया, यहाँ पे DOB अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे मैं फादर्स नेम और मदर्स नेम डाल के बच्चे को सर्च करता हूँ कि ये बच्चा डुप्लीकेट कहाँ कहाँ दिखा रहा है। जैसे पहले एक बच्चा है वो अपने पास भी पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल में वो चला गया, यहाँ से TC लिए बिना दूसरे स्कूल में चला गया, तो वो बच्चा अपने पास भी शो करेगा, दूसरे स्कूल में भी शो करेगा। तो इन केसेस में अपन दो जो बच्चे के नाम आ रहे हैं वो कैसे अपन देख सकते हैं, और यहाँ पे जो अदर स्कूल में जो PN नंबर है बच्चे का, तो वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि PN नंबर अपन कैसे देखें किसी भी स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे अपन बच्चे की स्टूडेंट्स की डिटेल सर्च करके अपन बच्चे का PN नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चे की डिटेल डाली, सर्च करते हैं। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे दो रिजल्ट अपने सामने आते हैं, देवेशी देवेश के नाम से दो रिज़ल्ट आते हैं। एक तो आता है GUPS देवडिया, इसके स्कूल में पढ़ रहा है, ये कंपनी स्कूल में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई, ये PN नंबर आ गए दोनों बच्चों के, ये सारी डिटेल्स आ गई कि अदर स्कूल है उसमें PN नंबर कौन सा है, अपने स्कूल में PN नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे HOS पे क्लिक करके अपन जो अदर स्कूल है उसकी डिटेल्स अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बच्चे की डिटेल्स देख सकते हैं सारी, बच्चे का नाम आ गया, PN नंबर आ गया, सारी डिटेल्स आ गई, करंटली बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, तो HOS पे क्लिक करके अपन यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, ये प्रिंसिपल की डिटेल्स आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया प्रिंसिपल के। तो यहाँ पे ये डिटेल्स अपन उठा के उस एग्जिस्टिंग स्कूल में अपन बात करके कि ये जो बच्चा है ये हमारे पास पढ़ रहा है, आपके पास इसकी TC नहीं कटी है, इसको NOC नहीं किया आपने, तो इसको हटाएं यहाँ से अपने UDIS प्लस से, ये वहाँ से बच्चा हटते ही अपने पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये जैसे बच्चा वहाँ से हट जाएगा, डुप्लीकेट बच्चा होता है तो वो इंपोर्ट भी नहीं होता अपने पास, क्योंकि दो बच्चे होते हैं तो अपन उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो पहले अपन को वहाँ पे अदर स्कूल से इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद में सारी डिटेल्स होगी। तो यहाँ से अपन अदर स्कूल की डिटेल निकाल के एग्जिट करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।